फ्रेंड वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आज हम बात करेंगे बीपीएससी एग्जाम कैलेंडर की। अगर हम बात करें बीपीएससी एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका है, अगर एग्जाम कैलेंडर की जो डेट है अगर उसकी बात की जाए तो आप स्क्रीन पे विजुअल हो ही रहा होगा आपके होंगे। डेट जो है एग्जाम कैलेंडर की अगर वो देखा जाए तो क्या थी, 18/4 थी। इसका न्यूज़पेपर में जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट आया था वो हमने आपको अपडेट कर दिया था। आज हम बात करते हैं ये जो नोटिफिकेशन है या कहें एग्ज़ाम जो कैलेंडर है वो टेलीग्राम पर पोस्ट है तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर उस एग्ज़ामों की बात की जाएगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है या फिर री एग्ज़ाम है, ठीक है। जैसे आपका क्या हुआ 6 to 8 का ट्रायल 3 हुआ, वो प्राइमरी का टेस्ट हुआ वो, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर सबकी डेट दे रखी है बाकायदा जो एग्ज़ाम होना है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो देखिए, ये यहाँ पे है टू बी डिसाइडेड वो इन्होंने किस तरह से रखा है, तो TBD, ठीक है। जहाँ कहीं भी TBD लिखा है तो इसका मतलब है कि उसकी डेट पहले से ही निश्चित है, ठीक है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि मे भी टेंटेटिव, ठीक है। यानी यहाँ पे एक डेट लेकर चल रहे हैं बट ये आगे पीछे भी हो सकती है, टेंटेटिव का मतलब ये होता है। बट टू बी डिसाइडेड का मतलब होता है कि ये क्लियर है, पहले से ही कंफर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं क्या है यहाँ पे इंटीग्रेटेड। अगर बात की जाए कौन सा एग्ज़ाम है तो नोटिफिकेशन NA है, यानी नोटिफिकेशन यहाँ पे जो एडवर्टाइज नंबर होता है एडवर्टाइज नंबर वो नहीं है। अगर बात की जाए यहाँ पे इंटीग्रेटेड CEE का क्या है तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ वैकेंसी भी NA है, तो NA का मतलब होता है कुछ नहीं। तो यहाँ पे डेट क्या है तो वो कितना है, तो 30 सितंबर है। चलिए अब हम ऐसा करेंगे जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है उनको मतलब यहाँ पर देख लेंगे, बाद बाकी हमने PDF क्या करा टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए तो आप लोग देख सकते हैं। टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो ये भी क्या है, ये इसके डेट को अगर देखा जाए तो 24 अगस्त रहेगी। अगर इसका देखा जाएगा रिजल्ट कब आ जाएगा तो 24 सितंबर को आ जाएगा, यानी अगस्त से सितंबर, ठीक एक माह का इसमें अंतर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए 30 सितंबर, रिजल्ट कब है 5 से 7 नवंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा लंबा टाइम नहीं दिया जा रहा रिजल्ट के लिए, रिजल्ट भी आ जाएगा। और ये कि इसका अगर बात की जाए इसका क्या है मेंस या रिटन एग्जाम कब है, प्रीलियम या MCQ टाइप क्वेश्चनों का यहाँ पे बात हो रही है, जबकि मेंस की बात अगर भी की जाएगी तो ये 3 से 7 जनवरी और यहाँ पर है 1 जुलाई, ठीक है। तो यानी यह अगली साल यानी 25 तक इसका प्रोसेस चलता रहेगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम की हम बात कर लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है BPSC का, वो है BPSC का 69th वाला UPSC एग्जाम, BPSC एग्जाम, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं PCS वाला जिसको यहाँ पे किस तरह इसको यहाँ पे नंबरों से देखा जाता है। अब जस्ट इसके बाद जो आएगा वो कौन सा 70वां आएगा, तो चलिए यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका एग्ज़ाम कब है तो यहाँ पर है 30/9 को है इसका प्रीलियम, और इसका जो रिजल्ट है वो 30/11 को आ जाएगा। और यहाँ पे जो और आगे की जो डेटेज रहेंगी वो आपकी यहाँ पे जो आगे की जो डेटेज थी वो देख लेते हैं। यहाँ पे 24/1/24 में ही यहाँ पे और हुआ था। अगर इसकी अभी बात की जाए कब है तो इंटरव्यूज़ वगैरह जो इसके चलेंगे वो याद रखिएगा, यहाँ पे जो इंटरव्यूज़ वगैरह अगर इसके जो चलेंगे पहले तो इसका रिजल्ट आ जाएगा आपको 31/7 यानी याद रखेंगे जुलाई को आ जाएगा ये रिजल्ट, जुलाई मंथ में। फिर उसके बाद देन अगस्त में इसके इंटरव्यू चलेंगे। अगस्त में इंटरव्यू की जो डेट रहेगी वो 17 से 28 है, अगस्त में इंटरव्यू की डेट क्या रहेगी 17 से 28 है। और यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की अगर बात की जाएगी तो वो यहाँ पर 31 अगस्त 2024 को आ जाएगा। तो चलिए इस तरह से यहाँ पे दे रखा है सब कुछ, यहाँ पे बहुत क्लियर दे रखे हैं हर एग्ज़ाम आप देख सकते हैं। यहाँ पे दरोगा इंस्पेक्टर और यहाँ पे 32 जुडिशियल एग्ज़ाम, असिस्टेंट डिवीजन, फायर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिजिक्स वाले, ठीक है। स्कूल ये देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्कूल टीचर री एग्ज़ाम, स्कूल टीचर री एग्ज़ाम की अगर बात की जाएगी तो ये कब हो जाएगा 10 से 12 जून को, यानी 10 से 12 जून को स्कूल री एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। 10 से 12 जून को स्कूल री एग्ज़ाम हो जाएगा। इसका रिजल्ट कब आ जाएगा तो ये 10 जुलाई को ये रिजल्ट आ जाएगा, 10/7 को ये रिजल्ट आप लोगों के बीच होगा। बाद बाकी इसके सब आने हैं क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है, खाली एक बार रिटर्न होगा MCQ टाइप क्वेश्चन होगा बस उसके बाद ही रिजल्ट जारी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट अगर बात की जाती है फिर है हेड टीचर की, और ब्लॉग यहाँ पे है हॉर्टिकल्चर और असिस्टेंट यहाँ पे। इस तरह से और भी एग्ज़ाम है जिनकी यहाँ पे डिटेल्स दे रखी हैं। आपको बता देंगे इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने का मतलब, यानी वीडियो क्यों बनाने का इस नोटिफिकेशन पर, क्योंकि ये पोस्ट हमने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी थी। बट इसमें रीजन सबसे बड़ा क्या है कि जो बिहार का एस्टेट था, ठीक है, बिहार का एस्टेट था, उसकी यहाँ पे कोई भी ऐसी एग्जाम डेट नहीं दे रखी। तो अभी मन मान के चलिए कि जो बिहार का एस्टेट है वो जुलाई के बाद ही होगा, क्योंकि मे भी इसके लिए जुलाई में कोई डेट निकल सकती है। क्योंकि यहाँ पे भी आपको दिख रहा है वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वो डेटें फिक्स हैं जिनके एग्ज़ाम होने हैं, तो एस्टेट का कोई यहाँ पे ऐसा जिक्र नहीं है। तो एस्टेट की जो परीक्षा है, आपको पता है कि ट्रायल 4 अगस्त में प्रस्तावित है बहुत दिनों से, तो ट्रायल 4 अगस्त में होगा। तो एस्टेट जो है ट्रायल 4 के पहले करा दिया जाएगा, तो यानी इसके जुलाई में होने की प्रबल संभावना है। एस्टेट को लेकर ही ये बनाया गया है वीडियो, क्योंकि यहाँ पे एस्टेट की क्वेरी बहुत आ रही थी कि एस्टेट कब होगा फिर। तो एस्टेट का यहाँ पे कोई मतलब क्लियर डेट नहीं है, तो हम एस्टेट को जुलाई की तरफ 100% मान सकते हैं, क्योंकि अगस्त में इनका ट्रायल 4 है, और ट्रायल 4 में एस्टेट वाले विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। ठीक है, हेडमास्टर की अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे प्रीलियम की अगर बात की जाएगी, तो ये जैसे ही वो वाली पोस्ट का ख़त्म होगा जूनियर भर्ती वाला यानी ट्रायल 3 वाला, तो यहाँ पे क्या है 14/6 यानी आपको 14 जून को ये एग्ज़ाम करा दिया जाएगा, और यहाँ पे 20 जुलाई को यह रिजल्ट निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा कि वहाँ वो ख़त्म होगा। सेकेंडरी हायर सेकेंडरी टीचर इन यहाँ पे है सिमुलता एक जगह है, उसके नाम पर है, ये रेजिडेंटल स्कूल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसकी अगर बात की जाए तो ये भी जून में ही है। ठीक है, 23 जून को हो जाएगा और 21 जुलाई को इसका रिजल्ट निकल आएगा। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और यहाँ पे वही सिमुलता जगह और रेजिडेंटल स्कूलों की अगर बात की जाएगी तो फिर वही डेट है कि 23/6 को ये हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये एग्ज़ाम क्या है, ये एग्ज़ाम एक ही दिन हो जा रहा है। ठीक है, स्टेट फायर अगर कॉन्स्टेबल की बात की जाएगी तो यहाँ पे एन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन हमने आपको बता दिया, बट आपको याद रखना है कि जो ट्रायल है ट्रायल थ्री वाला इसका एग्ज़ाम कब है, तो याद रखिएगा 10 से 12 जून। ठीक है, 10 से 12 जून को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और वहीं पे अगर बात की जाए, सबने पूछा है एस्टेट, तो एस्टेट की अगर हम बात करें तो एस्टेट क्या है, तो एस्टेट कब होगा, तो याद रखिएगा कि इसके क्या है अगस्त में क्या है इसका प्रस्तावित है। तो क्या प्रस्तावित है, तो आप याद रखेंगे कि अगस्त में क्या प्रस्तावित है, तो अगस्त में ट्रायल 4। ठीक है, यहाँ का ट्रायल 4 क्या है, प्रस्तावित है बिहार का। तो अगर ट्रायल 4 प्रस्तावित है तो जो एस्टेट के स्टूडेंट हैं उनको क्या होगा, ट्रायल 4 में मौका मिलेगा। ये 101% क्लियर है कि एस्टेट वालों को क्या होगा, ट्रायल 4 में मौका मिलेगा। तो एस्टेट कब होगा, तो याद रखिए जून में ये सभी परीक्षाएं निपट जाएंगी, जुलाई में एस्टेट हो जाएगा। 101% है कि जुलाई में एस्टेट हो जाएगा। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को धार देते रहे या तैयारी को और मजबूत करते रहे, जो उनके जुलाई में एस्टेट होने की प्रबल संभावना है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।